मुझसे बताओ, आप बताओ कृति, आप बताओ कि ऐसी क्या फीलिंग है जो आपको अब लगता है कि मैं छोटी थी तो मैंने गलत करती थी, मैं स्विच बोर्ड में हाथ लगा लेती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरगुन सर, हम क्लास में सर टेबल जोड़ते थे और सर टेबल को लेट जाते थे। ओके, सो अब आपको लगता है कि अब नहीं करना चाहिए? यस सर। हाँ, आप बताओ बेटा। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं मुझे अब कर लेना चाहिए? अब तो आप कर लेती होगी, राइट? तो आपने वो ओवरकम कर लिया। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे जैसे ग्रो होते हैं, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो हमें पीछे की चीज़ें याद आने लगती हैं कि अरे मैं वो काम करता था, वो मेरे से गलती हो गई थी, ऐसा काम तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा होता है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर अभी इस समय पर भी आप बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हो, अभी इस समय पर भी आप बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हो, जो आगे ट्वेल्थ में आने के बाद आपको रियलाइज होगा, अरे वो तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, राइट? सो अब मैं उन गलतियों को एज वाइज कैटेगराइज भी कर सकता हूँ, बट एक कॉमन चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आज की डेट में हम लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। सो आप में से कौन कौन है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत फ्रीक्वेंटली जानते हो, समझते हो, यूज़ भी कर लेते हो? कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड्स। वाओ, क्या बात है, ग्रेट। सो द ओनली आइडिया इज why I am uttering दिस, द इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड हाँ स्पेशली वो वाले गेम्स जिसमें हम लोग चार का ग्रुप बना के खेलते हैं, चार पांच दोस्त मिलके खेलते हैं गेम्स। ओके, कौन कौन सा? जस्ट ए मिनट, यस, कौन सा? जस्ट ए मिनट, कैन यू मेक ए साइलेंस प्लीज, वन बाई वन, यस। PUBG, आप बताओ सर। क्लैश रॉयल, आप बताओ सर। मिनी मलेशिया। ओके, मिनी मलेशिया, आप बताओ। ओके, आप बताओ। PUBG, आप बताओ पीछे। PUBG मिनी मलेशिया। ओके ओके, आप बताओ। यस, ओके ओके, भाई एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। व्हाई आई एम आस्किंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये जो गेम्स हैं ये किसने बनाए हैं, इसका ऑथर कौन है, वो कहां रहता है, उसका एड्रेस क्या है, किसको मालूम है? हाथ खड़ा करो। PUBG का एड्रेस क्या है? नाम पता है, एड्रेस नहीं मालूम है। मोबाइल नंबर क्या है? नहीं मालूम है। ओके, उसका नाम मालूम है ना, मोबाइल नंबर मालूम है। इस पॉइंट को जरा नोट करते रहना। ओके ओके, अभी क्या होता है कि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, आपको कंप्यूटर्स पढ़ोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा गेम कैसे बनाया जाता है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी को ल्योर करने के लिए, ल्योर मींस अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, राइट? सो क्या होता है कि जो गेम बनाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उसको यूज़ करें इसलिए बनाते हैं। गेम बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ज़्यादा लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करेंगे तो हमारे इंटरनेट का कंजम्पशन होगा, इंटरनेट का कंजम्पशन होगा, उनको कमीशन मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। Why I was pointing out, hinting, because Kriti or you, whatever the age group you are into, there are people, they have got negative mindset designing the games, doing different things on Facebook, WhatsApp and different social media. You are very very innocent, aap log bahut innocent ho, wo log wahan par baith kar dimag lagate hain. आपकी इनोसेंसी को सेबोटेज करने के लिए, कैप्चर करने के लिए आप खेलते हो गेम पबजी। पबजी में पांच छह दोस्त मिलके खेलते हैं, कई बारी ऐसा होता है यू आर नॉट नोन टू द पर्सन एंड यू आर प्लेइंग पबजी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको मालूम है वो व्यक्ति आपके ऊपर निगाह रखा है, आपको मालूम है कि वो व्यक्ति जो भी खिलवा रहा है आपको गेम, आप बहुत छोटे बच्चे हो, बातें करते जाते हो और आप खेलते हो, बातों बातों में आपसे पूछ लेता है आप क्या करते हो, आप एकदम से मना नहीं करोगे, बता जाओगे, और आपको पता नहीं चलेगा वो इंफॉर्मेशन आपकी ले जाएगा। यस सर,
that's why when we play game, there is an option of chat. When we play with the team, there is option of chat, sir. I have done the chat with Marine. He is from, sir, out of India. So I have done the chat. So he is asking, where do you live? What work do you do? Sir, he is asking. It is deadly and dangerous. Slowly and gradually. क्योंकि माइंड है, हमारा माइंड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट होता है बहुत सारी दूसरी दुनिया की तरफ. धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका माइंड उधर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा. आपको अचानक वो अच्छा लगने लगेगा, आउटर वर्ल्ड अच्छा लगने लगेगा, उसकी बातें अच्छी लगने लगेंगी, आप उस तरफ इंक्लाइंड हो जाओगे. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली देर आर मिलिटेंट्स, देर आर पीपल, दोज हु आर वर्किंग एक्चुअली टू कंट्रोल योर माइंड, वो इसी बात के लिए काम करते हैं. इसीलिए प्लीज, आपको अगर कोई गेम खेलना है, आपको मालूम है ये आरुष है, आपका फ्रेंड है, आप सिर्फ उसी तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, अपनी ही दुनिया में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे. राइट, लेट मी कंप्लीट. अपनी दुनिया में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, रीजन बीइंग वो कभी भी आपके माइंड से प्ले कर सकते हैं. एंड यू विल नेवर नो कि कहां पर आप, अभी आप पीछे देखो, देखा होगा आपने वो गेम खेलते खेलते कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया. ब्लू व्हेल क्या वो आपके जितना बच्चा नहीं होगा, आपके स्टैंडर्ड में 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ने वाला तो इंटेलिजेंट होगा ना. ऐसा क्या हुआ, उसका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो गया. कुछ तो बात होगी ना उसके गेम में, कुछ हिप्नोटिज्म होगा छुपा हुआ जो पता नहीं चलता. तो इसलिए द ओनली, हाँ आपको मालूम है ये क्या करते हैं, ये सिर्फ साइकोलॉजिकली आपके माइंड पे प्रेशर देते हैं. यस प्रियवत्सला, मेरी दीदी के स्कूल में एक लड़का है, वो मतलब बहुत बोर हो रहा था, तो एक दिन उसने गेम देखा, मतलब एक दिन उसने ब्लू व्हेल डाउनलोड कर लिया. उसको नहीं पता था उसके बारे में कि क्या हो सकता है, तो फिर वो उससे खेलने लगा. आफ्टरवर्ड्स तो उसे हिप्नोटाइज, मतलब ऐसा लगा कि मैं हिप्नोटाइज हो रहा हूं, तो वो डिलीट करने लगा. तो उसके ऊपर एक मतलब बहुत यही तो बता रहा हूँ बेटा, कोई किसी के फादर मदर को नहीं मार सकता, लेकिन चूंकि आप छोटे हो, आप डर जाते हो, आप अपने मम्मी डैडी से बहुत प्यार करते हो, तो स्लोली ग्रेजुअली आपको लगता है नहीं मुझे वो करना चाहिए जो ये कह रहा है. सो इसलिए बहुत ध्यान से समझ लो, ये जो हाथ में ये गैजेट है मोबाइल, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है. सबसे ज्यादा एक कंजम्पशन हो रहा है व्हाट्सएप का और फेसबुक का, अमेरिका से भी ज्यादा हो रहा है. तो इसलिए हम सबको ध्यान रखना है इस बात का कि हमें कम से कम गेम्स में तो स्पेशली ध्यान रखना है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे याद रखना है कि कोई भी उसमें धीरे से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, आपको धीरे धीरे करके जो अननोन होगा वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है. इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज ये बताने की बात नहीं, आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज नाउ यू आर इन एडोलेसेंट स्टेज एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ प्रॉमिस मी कि ये आप लोग आगे से इस चीज पे कंट्रोल रखोगे. आर यू प्रॉमिसिंग? रेज योर हैंड एंड से प्रॉमिस. वेरी गुड.